दोस्तों, हम आज इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि आखिर एक इलायची खाने के फायदे क्या है, आखिर एक इलायची से किसी लड़की को वश में कैसे कर सकते हैं। आपने प्यार तो बहुत किया होगा, रिलेशनशिप आपके बहुत सारे रहे होंगे, क्या पता वो रिश्ता छोटे समय के लिए हो या लॉन्ग टाइम के लिए। कई बार ऐसा होता है कि पुराना से पुराना भी रिश्ता चल भर में खत्म हो जाता है, चंद भर में आपका रिश्ता टूट जाता है और आप लोग समझ नहीं पाते कि ऐसी क्या कमी रह गई आप दोनों के रिश्तों में कि आप दोनों का रिश्ता इस तरह बिखर गया, या नई नई रिश्ते आप दोनों के ना समझने के कारण या थर्ड पर्सन एंट्री करने के कारण आप लोगों के रिश्ते यूं ही बर्बाद हो गए। आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था, आप दोनों ने वादे किए थे निभाने का, वादे किए थे साथ जन्मों जन्मों का, लेकिन वो रिश्ता नहीं चला। आखिर ऐसा क्या बात हो गई कि आप दोनों अपने प्यार को यूं ही अब आप दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। तो आप लोगों को एक काम करना है, इलायची तो आपने खाया होगा, कई लोग चाय में भी डालकर उसको सेवन करते हैं। अगर आपके पास इलायची नहीं है, मार्केट से इलायची लाए और रात को जब आप सोते हो ना, तो एक पेपर, वाइट पेपर में उसका नाम लिखें और उसमें इलायची रखें और उस इलायची को सुबह उठ के खा लेनी है। और हर शनिवार के दिन उस इलायची को, जैसे रात में रख दिया, सुबह लिया और उस पेपर में नाम लिखा है जिसको आप पाना चाहते हो, उसको शनि देवता के मंदिर पर चढ़ा देनी है। ये दो काम अगर आप करते हो ना, आप किसी भी इंसान को काबू कर सकते हो। जैसे कि आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, आपके पार्टनर आपको देखना पसंद नहीं करते, आपसे बहुत फाइट हो रही है, आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, तो इलायची को शनि देवता के दिन, शनिवार के दिन चढ़ानी है शनि देवता को, और रोज कम से कम 108 दिन या 51 दिन आपको फॉलो करना है। उसके बाद देखो ये टिप्स, यानी कि एक छोटी सी इलायची आपके रिश्तों को बना सकती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकती है और आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होगा, क्योंकि उसके बाद ना आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचोगे। तो ये था रिलेशनशिप का एक टोटका। ये ऐसी टोटका ना रिलेशनशिप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ना आप किसी से पूछोगे तो सारे बोलेंगे नहीं छोड़ो, क्यों टेंशन ले रहे हो, जो रिश्ता बन नहीं सकता, जो रिश्ता चल नहीं सकता, उसके पीछे आप टाइम क्यों स्पेंड करना चाहते हैं, आप टाइम क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये चीज़ ना, नेगेटिविटी तो रिलेशनशिप में आएगा ही आएगा, इसलिए आप अपने रिश्तों को जितना समझेंगे उतना ही बेहतर होगा। टिल देन दोस्तों, लाइक तो बनता है, फिर मिलते हैं।